गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है आयनिक कंपाउंड के बारे में, उसमें हमने क्या पढ़ा, जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा था हमने कि जो मेटल्स हैं वो कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो मेटल्स होती हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन हम जब नॉन मेटल्स के साथ करते हैं, दे आर कम्प्लीटली अपोजिट फ्रॉम द मेटल्स, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इन नेचर, इनकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है, और डक्टाइल नहीं होती है, मेलिएबल नहीं होती है। मोर ओवर देयर इज वन मोर डिफरेंस दैट मेटल जो है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं एंड दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन नेचर, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। ठीक है, दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इनकी जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अब वो कैसे होती है वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब बेसिकली हमने इस चैप्टर में कार्बन के बारे में स्टडी करना है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन क्यों करता है, शो कार्बन जो है व्हाई डज इट शो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करता है कार्बन। देखो, कार्बन जो है एक यूनिक एलिमेंट, हम इसको बोल सकते हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है इसका एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हमने 9th में डिस्कस किया है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, दैट इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं 9th में, बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम अब अगर हम कार्बन की बात करें, एज वी नो दैट कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है। अब हर एक एटम जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने की कोशिश करता है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है या फिर नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना होता है। अब देखो, कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे देन इट विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम विच इज ऑल्सो नोबल गैस। ठीक है, ये नोबल गैस है ना, ठीक है, क्योंकि इसके के शेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी के शेल की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। अब ये लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स को, अगर ये लूज करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, C4 पॉजिटिव। ठीक है, अब सिंस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी लूज एंड दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने, और इसको 4 प्लस चार्ज को हैंडल करना जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए ये केस क्या हो जाता है, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करना जो है इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब देखो अगर नेक्स्ट की बात करें हम, अब इसने ये 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करें बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब गेन करेगा तो उससे C4 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को, अब
जब ये क्या करेगा तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा. बट अगेन इन दिस केस ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड इज एक्सपेक्टेड टू वेरी हाई. ठीक है, और क्या होगा, मतलब साइज तो उतना ही रहेगा ना उसका, कार्बन का, कार्बन का साइज उतना ही रहेगा. और उसका क्या होगा, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे रिपल्शन हो जाएगी ज्यादा. 8 इलेक्ट्रॉन है, साइज तो उसका छोटा है बट इलेक्ट्रॉन उस छोटी सी जगह में क्या आ गए हैं, ज्यादा आ गए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो जाएगी और वो स्टेबल नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये केस भी क्या हो जाएगा, ये जो है इट इज नॉट पॉसिबल. सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है. वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी एक ऐसे एटम के साथ शेयर करेगा जिसको खुद इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो कैसे करता है, जैसे हम सिंपल सी बात करें, जैसे CH4 है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है. अब हाइड्रोजन क्या कोशिश करेगा कि वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, तो वो उसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. हर एक हाइड्रोजन जो है बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इट विल अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. वेयर एज इन कार्बन जो है 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के शेयर करेगा एंड इट विल कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. सो कार्बन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया. ये देखो दोनों की शेयरिंग हुई, दोनों ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गया. सो दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग. अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स और एटम. द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिसिपेटिंग एटम. अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में होता है, एक होमोएटॉमिक एक हेटरोएटॉमिक. ठीक है, एक होमोएटॉमिक एक हेटरोएटॉमिक. होमो मतलब सेम, जो सेम टाइप ऑफ एटम में बनता है, जैसे H2 Cl2 O2 N2 इनमें जो बनेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं होमोएटॉमिक. अब हाइड्रोजन में कैसे बनेगा, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका शेयर करेगा और ये इसका शेयर करेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और ये बन गया ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सेम अगर हम क्लोरीन की बात करें, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हम शेयर करेंगे ना इलेक्ट्रॉन वो हमने उसकी तरफ रखना, बस दूसरे एटम की तरफ. ये इसका शेयर करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ये इसके शेयर करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखो दोनों के 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और ये ऐसे बन जाएगा. सेम अगर ऑक्सीजन का केस देखें, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ये, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. अब दो दो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने ही बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ. सो ये होमो एटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है, होमो एटोमिक. इनको क्या बोलते हैं, होमो मतलब सेम. अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे CO2 CH4 का एग्जाम्पल जैसे हमने किया. ठीक है, और CCl4, ठीक है, SO2, बहुत से एग्जाम्पल है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के. अब देखो कैसे करना है, जैसे CH4 का हमने एग्जाम्पल कर लिया एक, अब CO2 का करें, CO2. अब देखो सबसे पहले तो तुमने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो CO2 है, ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है और कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है. इसको हम सेंटर में रखेंगे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 8 हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 8 हो गए, और ये इसके 2 और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और 8 हो जाएगा. ठीक है, अगर हम ये डायग्राम जो है इस तरह से बनाएंगे ओ ओ, तब देखो अब मैं अब इसके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ,
ये जो इसके दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है ना यहाँ पे बनाने के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कार्बन को सेंटर में रखते हैं और ऑक्सीजन को इसके टर्मिनल पोजीशन पे। एक और है जैसे वाटर मॉलिक्यूल का, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को सेंटर में रखेंगे ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन को तो क्योंकि एक एक की ज़रूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन को कितने की ज़रूरत है, दो, मतलब वो इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको दे देगा शेयर करने के लिए। अब ये हो गया इसका, ये शेयर कर लेगा, ठीक है, और ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और क्या बन जाएगा, H2O, और इसकी बॉन्डिंग हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कैसे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें कोवेलेंसियन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स करवाऊंगी मैं। ओके बेटा, तुमने होमो और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के टू टू एग्जांपल और करने हैं नोटबुक पे भी, ठीक है। अब तुमने नोटबुक पे क्या क्या लिखना है, तुमने इसमें कोवेलेंट कंपाउंड की कोवेलेंट, एक तो वाई डज कार्बन डज नॉट फॉर्म डज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, एंड होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद देयर एग्जांपल्स। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।